बेटी की परेशानी। बेटियां तो ससुराल बसने और घर बसाने के लिए जाती हैं, लेकिन जब माँ की शिक्षा ससुराल में बेटियों के लिए मुसीबत बन जाए तब। बहू, ये फर्श का पानी कौन साफ करेगा, मेरी माँ या तेरा बाप? अभी मैं गिर जाती तो तू भरती क्या हॉस्पिटल का बिल? हाँ माँ जी, अभी कर देती हूँ, जाइए आप, तक यहाँ बैठ जाइए। अरे चल हट यहाँ से, इसे साफ कर, जब देखो काम से भागती रहती है। नहीं माँ जी, सुबह मैंने साफ किया था, पर न जाने फिर से किसने पानी गिरा दिया, और मैं पोछा लेने ही गई थी तब तक आप। अच्छा तो क्या कहना चाहती है कि पानी मैंने गिराया? तू नो, मेरा बस चले तो चोटी पकड़ कर बाहर का रास्ता दिखाऊं तुझे। नहीं नहीं माँ जी, मैं बस इतना ही कह रही थी कि किसी की गलती की वजह से पानी गिर गया होगा। लगता है घर वालों ने केवल मुंह चलाना सिखाया है, हाथ चलाना नहीं। शाम को खाने के टेबल पर। सुनिए जी, बहुत दिन हो गए माँ से मिले हुए, मैं सोच रही थी कल को हो आती हूँ, और वैसे भी दीदी बता रही थी कि माँ की तबीयत भी खराब चल रही है। बहू, तबीयत ही खराब है ना, कौन सा मर गई है जो देखने जाना जरूरी है? माँ जी आप ये क्या बोल रही हो, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मेरी माँ के लिए मरने बनाने की बात ना किया करे, ये ठीक नहीं लगता। ये तुम कैसी बात कर रही हो, मेरी माँ से तमीज से बात करो, तमीज के अपने घर छोड़कर आई हो? आपने नहीं सुना माँ जी ने क्या बोला मेरी माँ के बारे में, कम से कम आप ये तो देखिए कि सही कौन है और गलत कौन है। तो तुम ऐसे ही बात करोगी मेरी माँ से? बहू ज्यादा बोलेगी ना तो तुझे तेरे घर हमेशा के लिए भेज दूंगी, तेरी माँ बस बीमार है, कोई अपनी आखिरी सांसें नहीं ले रही, जो तू जाए, कोई जरूरत नहीं है जाने की, चुपचाप घर में बैठ। लेकिन माँ जी उनकी तबीयत खराब है और घर पे कोई नहीं है उनका ख्याल रखने के लिए, और मैं कौन सा 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, बस सुबह जाऊंगी और शाम तक यहाँ वापस। ठीक है, तुझे जाना है ना तो जा, लेकिन सारा काम करके जाएगी, और हाँ लौटते में पूरे घर के कपड़े मिठाई और कैश याद है ना। माँ जी माँ बीमार है, मैं कौन सा शॉपिंग करने जा रही हूँ, प्लीज माँ जी मैं सारा काम करके जाऊंगी। ए जी आप भी साथ चलिए ना, माँ को अच्छा लगेगा। अब तुम क्या चाहती हो, मैं अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी माँ को देखने जाऊं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं तो बस ये कह रही थी कि माँ को थोड़ा देख लेते, माँ को अच्छा लगता, वो खुश हो जाती। तो तू चाहती है कि मेरा बेटा तेरी माँ की खुशी के लिए काम करना छोड़ दे हैं? अगर ऐसा ही करने लगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या, क्योंकि खुशी से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं था। अगले दिन जब गंगा अपनी माँ से मिलने अपने घर जाती है। माँ आप कैसी हो, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर, तू बता तू कैसी है, और तेरे ससुराल में सब ठीक? तेरी सास ने कुछ बोला नहीं जब तूने यहाँ आने के लिए बोला? ऐसा हो सकता है क्या माँ कि मैं यहाँ आने की बात करूँ और घर में हंगामा ना हो? तो फिर तू क्यों आई बेटा, तुझे नहीं आना चाहिए था जब तेरी सास ने मना कर दिया तो। माँ आप कैसी बात कर रही हो, उनका बस चले तो वो मुझे कभी आने ना दे, मैं आपको कभी देखने ही ना आया करूँ, और माँ सच बताओ मैं थक गई हूँ ये रोज रोज के लड़ाई झगड़े से, उस घर में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरी साइड ले सके, और मेरे खुद के पति को तो मेरे जीने मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो और लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? बेटा वो तेरा पति है, जैसा भी है तुझे उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी, रही बात तेरी सास और बाकी घर वालों की, तो वो तेरा परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, थोड़ा बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है, परिवार की यही चीजें एक औरत की सहनशीलता की परीक्षा लेता है। माँ लेकिन एक इंसान किस हद तक इन चीजों को सह सकता है, और जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो? नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते। दोनों की ऐसी बातें चलती रहती है, बेटी माँ से मिलकर चली आती है, लेकिन सास का रवैया बहू के लिए वैसा ही रहता है। बहू माँ को फोन करती है। माँ अब नहीं रहा जाता यहाँ, प्लीज पापा को बोलो ना मुझे ले जाए। कैसी बात कर रही है बेटा, शादी के बाद तेरा घर वही है,
नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। माँ प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। ये बोलकर बेटी रोने लगती है। माँ फिलहाल तो फोन रख देती है, लेकिन उसे बेटी का रोना याद आ जाता है। कुछ दिनों बाद गंगा की माँ गंगा से मिलने उसके ससुराल जाती है। आओ बहू की माँ, कहो कैसे आना हुआ? वैसे लग रहा है कि बहू ने ही फोन करके बुलाया होगा। नहीं नहीं जी, उसने तो आज फोन उठाया भी नहीं। मैं तो उसे बताने वाली थी कि मैं आ रही हूँ। वैसे कहाँ है मेरी बेटी? तभी सामने से बहू आती है जिसकी एक आंख काली होती है। लगता है जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। ऊपर से वो लंगड़ा कर चल रही थी। क्या हो गया बेटी? अरे कुछ नहीं, वो सीढ़ी से गिर गई थी कल। क्यों बोलती नहीं बेटा? इसलिए नहीं बोलती माँ जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सच भी बता दूंगी कि मुझे मेरी सास और मेरे पति ने खूब मारा है तो भी ये कुछ नहीं कहेंगी, क्यों माँ? माँ का सर नीचे झुक जाता है। ऐसे ना बोल बेटी, मैंने तुझे फूलों की तरह पाला है। माना ससुराल में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इतना ये तो बताना चाहिए था तुम्हें। हाँ तो बता तो दिया। बता दे बहू कि कल तेरी अच्छे से पिटाई की गई है क्योंकि तूने दाल में नमक ज्यादा डाला था। अरे बोल ना, क्यों नहीं बता रही? तभी वहां दामाद आ जाता है। क्या हुआ दामाद जी को कुछ चाहिए था? बहुत गुस्से में लग रहे थे। माँ ये रोज का ही है, मैंने कोई काम ना किया तो मारते हैं, डांटते हैं, गालियां देते हैं ये लोग। माँ, बेटी बोलते बोलते शांत हो जाती है। मैं समझ सकती हूँ, अब समझ में आया कि तू हमेशा क्यों बोलती रहती है। माँ मुझसे अब सहन नहीं होता। अरे ये लोग तुझसे कोल्हू के बेल की तरह काम करवाते रहते हैं, तेरी हालत को देखकर ही लगता है। माँ कभी कभी रोना आता है, मेरा पति मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता और सास बस ताने ही देना जानती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कुछ भी हो जाए। बेटी रोने लगती है, माँ उसे गले लगा लेती है और वो भी रोने लगती है। माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ इतना कुछ सहती हो। ये घर तुम्हारे लिए एक नर्क से बढ़कर कुछ नहीं। बेटा मैं तेरे साथ हूँ, अच्छे से जवाब दे इन लोगों को और चल मेरे साथ। बेटी अंदर जाती है और सामान पैक करके जा रही होती है कि माँ के आने से उछल रही हो? 2 दिन बाद तेरी यही माँ तुझे यहाँ घर पर छोड़ जाएगी। जब सर पर छत और खाने को रोटी नहीं मिलेगी तब पता चलेगा। रहने दो, अब तो कोर्ट में मिलेंगे, जहाँ कानून मुझे इस घर में हक और तुम्हारी सैलरी से गुजर बसर करने के लिए पैसे देने को कहेगा। क्यों, हो गए ना दोनों प्रॉब्लम सॉल्व? अब मिलना कोर्ट में।